सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह ब्लॉग्स। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि महिंद्रा थार खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि थार एक फैमिली कार हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बता रहा हूँ कि थार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी एग्जिस्टिंग। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सीटिंग कैपेसिटी। हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी के अंदर 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। 2 लोग वो हैं जो आगे बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो पीछे बैठे हुए लोग रहेंगे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे जो सीट्स हैं वो बेंच साइड सीट्स हैं, यानी आमने सामने फेसिंग के हैं। अगर पीछे 4 लोग बैठ गए तो चारों के चारों घुटने टच होंगे और उनका जो हेडरूम रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो मतलब पीछे तो बैठना पॉसिबल ही नहीं है और उन सबको बैठे बैठे एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी। तो पीछे बैठना एक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि आगे बैठने वाले थोड़े कंफर्टेबल रह सकते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर आगे बहुत सारा स्पेस है। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गाड़ी एक फैमिली कार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो रहेगी वो है टायर्स। जैसे गाड़ी आप परचेस करेंगे आपको नए टायर्स पक्का लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बड़े टायर्स नहीं लगवाओगे गाड़ी के अंदर तो गाड़ी के अंदर बॉडी रोल बहुत है। गाड़ी अगर 60 की स्पीड में चल रही हो, आपको टर्न लेना हो हल्का सा भी, तो गाड़ी बहुत रोल करती है, लेफ्ट राइट भागेगी अपने आप ही। तो जैसे ही आप गाड़ी परचेस करेंगे आपको 50-60,000 टायर्स के ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करना कि गाड़ी एक फैमिली कार है कि नहीं है। आफ्टर दैट आपको लगा कि आपने टायर्स भी अच्छे लगवा लिए, गाड़ी भी एक अच्छी ले ली, लेकिन जब आप मार्केट में उसको खड़ा करेंगे गाड़ी को, तब आपको एक सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको हमेशा लगता रहेगा कि मेरी गाड़ी कोई चुरा लेगा, क्योंकि गाड़ी एक सॉफ्ट टॉप के साथ आती है और महिंद्रा कंपनी एक हार्ड टॉप प्रोवाइड नहीं करती। तो गाड़ी परचेस करने के बाद आपको तुरंत बाद या फिर 1-2 महीने के अंदर आपको एक सेमी हार्ड टॉप, फाइबर हार्ड टॉप या मेटल हार्ड टॉप लगवाना ही पड़ेगा। और नहीं लगवाएंगे तो एक प्रॉब्लम और भी रहेगी साथ में कि गाड़ी हमेशा जंप मारेगी। गाड़ी ब्रेकर्स के ऊपर बहुत जंप मारती है, आगे से तो बहुत कम मारती है, लेकिन पीछे जैसे ही टायर क्रॉस करेगा बहुत जंप करेगी गाड़ी पीछे से। तो आपको एक सेमी हार्ड टॉप, मेटल हार्ड टॉप या फाइबर हार्ड टॉप गाड़ी परचेस करते ही लगवाना पड़ेगा, ताकि गाड़ी थोड़ी सी स्टेबल चले, थोड़ी सी स्टेबल, पूरी स्टेबल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे गाड़ी के अंदर हमने टायर्स लगवा लिए, एक अच्छा हार्ड टॉप लगवा लिया, अभी फैमिली कार बन जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, अगर आप एक फैमिली मैन हैं, ओके, आपके पेरेंट्स थोड़े बूढ़े हो गए हैं, आपके दादा दादी हैं साथ में, और आप सोच रहे हैं कि उनको इसमें ट्रैवल कराना आसान रहेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। पहली बात तो उनमें चढ़ना ही थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि गाड़ी की हाइट खड़े खड़े 200 mm की है, जो टचिंग ग्राउंड के साथ टचिंग होती है। उसके बाद गाड़ी थोड़ी और ऊपर है, उसके बाद थोड़ा सा लैडर है चढ़ने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा गेट का हाइट है, उसके बाद आप अंदर घुस सकते। तो जिनके घर में थोड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए गाड़ी को यूज़ करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है गाड़ी का। मान लीजिए आप रोड के ऊपर 60 की स्पीड में चल रहे हैं, बहुत कम स्पीड है 60 स्पीड, हाईवे के ऊपर ऑलमोस्ट हम नॉर्मल गाड़ी के अंदर 100 के ऊपर चलते हैं। तो मान लीजिए आप हाईवे के ऊपर गाड़ी 60 की स्पीड में चला रहे हैं और सामने से एक नील गाय आ गई। उनकी हैबिट होती है कि रोड को भागते हुए क्रॉस करना होता है, उनको ये नहीं देखना होता लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है, बस भाग के क्रॉस करना होता है। उस टाइम पे अगर आप ब्रेक मारना चाहेंगे, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, सीधा उसके अंदर घुस जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि गाड़ी के अंदर ABS और EBD नहीं। 2019 का जो मॉडल है 700, उसमें ABS EBD है, लेकिन बाकी जितनी भी थार्स हैं उनके अंदर ABS EBD बिल्कुल भी नहीं है। तो सेफ्टी के मामले में 0 पॉइंट्स हैं इसके पास। हाँ, सीट बेल्ट है गाड़ी के अंदर, एकमात्र सेफ्टी के लिए गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पक्का है। और सामने से कुछ भी आ गया, गड्ढा भी आ गया, कुछ भी, आप टर्न लेते हुए ब्रेक मारना चाहते हैं लेकिन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर ABS EBD बिल्कुल भी नहीं है। नाउ एक फैमिली मैन सबसे पहले गाड़ी के अंदर क्या देखता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह है कि जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट हम देखते हैं माइलेज का, कि माइलेज कितनी देती है। अब नॉर्मल जो गाड़ी होती है वो 15, 16, 17, 18 के आसपास ही देती है, कोई भी डीजल गाड़ी हो ना आसपास दे देती है हाईवेज के ऊपर। लेकिन थार की एवरेज हाईवेज के ऊपर ओनली 10 km/L है, वो भी खाली गाड़ी की। अगर उसके अंदर पीछे लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, सामान रखा है, तो उससे भी कम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 10 km/L एक नॉर्मल आदमी के लिए एक सूटेबल ऑप्शन रहेगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने बड़े टायर्स लगवा लिए, एक छत लगवा ली, मेरे पास ABS वाला वर्जन भी है थार का। अब आप सोचिए कि आप इंडिया के एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, और आपने सोचा कि मैं सॉफ्ट टॉप को रखता हूँ, तो भूल जाइए कि आपके AC का कोई इफेक्ट होगा गाड़ी के अंदर। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मेरे पास गाड़ी आई थी तो सॉफ्ट टॉप के साथ आई थी, मैंने उसमें 6-7 महीने तक कोई भी चेंजेस नहीं करवाए थे। तो जब AC का जो ब्लो था वो मेरे सामने गिरता था, और जो मेरे पीछे का तरफ था वो पूरा पसीना पसीना रहता था और आगे ही थोड़ा ठंडा होता था, और जो मेरे पीछे बैठे हुए थे उनका तो बुरा हाल होता था गर्मी के टाइम पे, बहुत बुरा हाल होता था, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंसुलेशन बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगर इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो थार आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर तो थार बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा, ये एक बैड इन्वेस्टमेंट रहेगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, तो आप कमेंट्स में ये लिख के बताइए कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपके लिए मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तब भी आप थार परचेज करना प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में लिख के बताइए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने थार वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थार जो परचेस करने वाले उनके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।